साहब समझ गए। लाना थे हमारे मुंह पर जो इतनी सी बात हम समझ नहीं पाए। थक गए हैं हम भैया, बहुत थक गए। अब और ये झूठ नहीं उठाया जाएगा हमसे। बस बस बहुत हुआ आप। अब और ये नाटक नहीं होता हमसे पागलपन का। बहुत बेबस और कमजोर से होकर रह गए। जब आदित्य साहिब और सुगनी की शादी वाले दिन हमें इस हवेली में लेकर आया था, हमें लगा था सुगनी साहिब का रिश्ता भी टूट गया। पर आदित्य की सर ढकाई करते ही हमारे प्यार के दुश्मन वापस इस हवेली में आ गए। साहिब के लिए रास्ता और आसान हो गया। ऐसा लग रहा है जैसे साहिब रेत की तरह हो गए। हम मुट्ठी बंद करते हैं और सोचते हैं कि साहिब को कैद कर लिया और वो फिर से निकलने का रास्ता खोज लेते हैं। पता नहीं क्या जादू कर रखा है उस सुगनी ने उन पर। ठीक कह रही हो तुम बहना। हम तो कहते हैं कि लानत है ऐसे आदमी के मुंह पर जो सुगनी जैसी जवान प्यारी और खूबसूरत लड़की को देखकर भी अपना ईमान दबोच के रखे। भैया हमने तुम्हें सुगनी को देख अपने होश खोने नहीं, अपनी मदद के लिए यहाँ बुलाया है। अगर आप भी उसकी तरफ हो जाएंगे तो कोई उम्मीद नहीं बचेगी हमारी जिंदगी में। अरे बहना तुम हमारे शब्दों पर मत जाओ। हम तो तुम्हें कारण बता रहे थे, कारण कि किस तरह वो सुगनी ने तुम्हारे साहिब को अपने बंधन में बांध लिया। पर तुम चिंता मत करना, हमने भी अपनी जिंदगी कबूतर उड़ाते हुए नहीं बिताई। अच्छा तोड़ेंगे मोड़ेंगे मरोड़ेंगे कहानी को कि सुगनी जाएगी तुम्हारी जिंदगी से बाहर, जवाई साहब आएंगे तुम्हारी जिंदगी के अंदर। ये वाला बटन नहीं, हमारा दम घुटता है। दम तो हमारा भी बहुत घुटता है साहब। काश काश ईश्वर ने एक ऐसा ही बटन जिंदगी के लिए भी बनाया होता, जब दम घुटे और सांस रुकने लगे तो बटन खोला और सब ठीक। आपको जो कहना है आप सीधा भी तो कह सकती हैं। कुछ पूछना था साहेब आपसे। क्या? ऐसा क्यों नहीं होता कि हमारे सवालों के हमें जवाब मिले? खामोशी या पलट के कोई सवाल नहीं। आपने कहा सुगनी का हक बनता है इस घर पर, माना। सुगनी के हक समझ कैसा है, पर हम अपना हक नहीं समझ पा रहे। समझाइए ना। इसमें समझना क्या है, ठकराई ना आप इस हवेली की। पूरे अधिकार हैं आपके पास, और क्या चाहिए। बहुत अधूरे से हैं साहब। मैं जिंदगी के अधूरेपन को मिटाना चाहते हैं।
पूरा होना चाहते हैं और एक औरत पूरी तभी मानी जाती है जब उसे मां कहने वाला इस दुनिया में कोई आ जाए। साहिब, हमें एक बच्चा चाहिए, हमारा अपना बच्चा। रीवा, आप समझ कर सबसे बड़ा नादान वही जो समझे नादान हमें। किसके दिल में क्या छुपा है सब कुछ है ध्यान हमें। साहिब, आपके झूठ, आपके बहाने, आपकी दूरियां और किसी और के साथ आपकी नजदीकियां, कुछ नहीं छुपाए हमसे। इसलिए तो अपना अधिकार, अपने आने वाले कल की सुरक्षा मांग रहे हैं आपसे। साहिब, अब मर्जी आपकी और फैसला आपका। या तो हमें हमारा बच्चा दीजिए या सुगनी को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। एक पत्नी का अपने पति से औलाद मांगना पागलपन कैसे हो गया साहिब? आप खुद से पूछिए ना कि आपका मन नहीं करता कि कोई हो जो आपको पिता कहे। रीवा, तबीयत ठीक नहीं रहती है आपकी, अभी तक दवाइयां चल रही हैं। आपको लगता है आपका शरीर एक बच्चे का बोझ संभालने के लिए तैयार है? पहले अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, बाकी सारी बातों के लिए तो जिंदगी पड़ी है पूरी की पूरी। जिंदगी तो तब बचेगी ना साहिब जब जीने की वजह होगी सामने। हम और इंतजार नहीं कर सकते अब। रीवा, आपको हमसे वादा करना ही होगा साहिब। एक पत्नी का हक नहीं छीन सकते आप। अगर आपको हमें विश्वास दिलाना है ना कि आपके और सुगनी के बीच कुछ नहीं है, तो आपको हमारी बात माननी होगी। रीवा, क्या वाहियात बनाए? हमें विश्वास दिलाना होगा साहिब, हमें हमारा बच्चा देना होगा। छोड़िए हमसे एकदम। जवाई साहब, जवाई साहब, बहुत बड़े खिलाड़ी निकले आप। हमने तो सोचा था कि दुक्की तिक्की से बाजी मार लेंगे तो बड़े पत्ते खेलने पड़ेंगे। बहुत हो गया, बर्दाश्त की भी हद होती है। साहिब तो ऐसे बर्ताव कर रहे हमारे साथ जैसे जैसे हम बोझ हैं और बस मौका देख रहे हैं हमें फेंक कर आने का। पत्नी है हम उनकी, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो हमारे साथ? क्या हुआ? साहिब ने ना कर दी? हाँ, कैसे कर सकते हैं? इतनी तो अकल वो भी रखते हैं कि हमारी कोख से जन्मा बच्चा उनकी प्रेम कहानी का अंत कर सकता है। फिर भी आपके कहने पर हमने ये सब कहा,
बेवकूफी तो हमसे ही हुई है ना, अब तो और दूर भागेंगे वो हमसे। आप प्लीज एक ऐसा सर्टिफिकेट हमें दे दीजिए जो ये साबित करे कि रीवा मानसिक तौर से बीमार है, और वो सर्टिफिकेट हम कोर्ट ऑफ लॉ में दिखाकर तलाक ले सके। अरे काय घबरा रही हो इतना, एक दांव उल्टा पड़ा है हमारा, अभी तो इस पिटारे में इतना कुछ है, इस सारी दुनिया को हिला के रख देंगे। फिलहाल तो खुद की दुनिया हिली हुई नजर आ रही है हमें, जब से वो एक्सीडेंट हुआ है एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब हमारा दिल ना रोए। एक्सीडेंट से बचे तो याददाश्त चली गई, यहां सबने मान लिया कि हम मर चुके, वहां से निकले तो रीवा मंजिल पहुंचे। वो उदय वहां अपने ही घर में हमें कैद सा करके रखा गया, जैसे तैसे वहां से निकले तो आपके पास पहुंचे और आपने हमें बताया कि साहेब हमारी जगह किसी और को देने वाले। शादी तो हो गई होती भैया, अगर आपने हमें पागल बनाकर इस हवेली में आने का उपाय ना सुझाया होता। आप जानते थे कि साहेब हमें बुरे हाल में छोड़कर कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। जब साहेब और सुबली की शादी टूटी थी तो हमें लगा था कि सब कुछ ठीक हो गया, एक बार फिर हमारी किस्मत ने हमें दगा दे दी। आदित्य उस लड़की की सर ढकाई करके इस हवेली में वापस ले आया। हमारा दिल जानता है भैया, सुखनी को इस घर में देखकर हमें कितनी तकलीफ हुई थी, और फिर भी हमें सब कुछ सहते हुए उसका स्वागत करना पड़ा। सच तो ये कि सुखनी की कुर्बानियों की वजह से साहिब के मन में उसके लिए प्यार और हमारे लिए दूरी और बढ़ गई है। हम यहां होते हुए भी साहिब के लिए नहीं है, ना अधिकार ना मान सम्मान, कैसी जिंदगी जी रहे हैं हम, जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा चाहते हैं वो ही हमसे नफरत करता है। अरे 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 बहना बहना रोते नहीं, लानत है ऐसे भाई पर जो अपनी बहन का घर ना बचा सके। आज हम तुम्हें वादा करते हैं कि खींच कर लेकर आएंगे जवाई साहब को तुम्हारे पास। तुम ये आंसू पोंछ दो और हमें अपने दिमाग के मंथन से सोचने दो इस समस्या का अगला समाधान। मिस्टर विक्रम, रीवा जी के बर्ताव में भले ही पागलपंती के सिम्टम्स दिखते हों पर मेडिकली वो पागल नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल है। कैसे हो सकता है? Are you sure? अंदाजा नहीं लगा रही, मेरे पास मेडिकल रिपोर्ट्स हैं। मुझे लगता है उनका ये बर्ताव जो उनकी जिंदगी में हो रहा था या हो रहा है, शायद उनसे निपटने के लिए उनका यही एक तरीका हो। मेडिकली वो पागल नहीं है, इस नाते मैं आपको सिर्फ उनके पूरी तरह ठीक होने के सर्टिफिकेट ही दे सकती हूँ, और कुछ नहीं। मिस्टर विक्रम, आप रीवा जी के मानसिक हालत का सहारा लेकर उनसे तलाक नहीं ले पाएंगे। तुम्हारी परेशानी ये है कि हम पर किसी और का अधिकार है, अगर हम पर किसी का अधिकार ना हो तो तुम किसी से उसका हक नहीं छीनना चाहती, ठीक बात है, लेकिन अगर हम हर एक बंधन से आजाद हो तब
तब तो हमारे साथ आओगी ना। मेडिकली वो पागल नहीं है, इस नाते मैं आपको सिर्फ उनके पूरी तरह ठीक होने के सर्टिफिकेट ही दे सकती हूँ, और कुछ नहीं। मिस्टर विक्रम, आप रीवा जी के मानसिक हालत का सहारा लेकर उनसे तलाक नहीं ले पाएंगे। साहेब, अब मर्जी आपकी और फैसला आपका। या तो हमें हमारा बच्चा दीजिए या सुगड़ी को अपनी जिंदगी से निकाल फेंकिए। चलो साथ में। कहाँ मामा जी? चलो चलो चलो, सच्चाई देखने के लिए आओ। चलो उठो, हमने सुरमी से प्यार किया है, कोई पाप नहीं किया। जब वो हमारी जिंदगी में आई उस समय तक हम ऑलरेडी अकेले हो चुके थे। बहुत साफ और गहरा प्यार है हमारा। मतलब हमें लगता है कि तुम और जीजी मिलकर जो है हम ही को गलत साबित करने में तुले हो, जैसे हमने कोई पाप कर दिया, सारी गलती हमारी। ऐसा नहीं है मामा जी, अगर ऐसा होता तो मैं आपका साथ क्यों देता? मैं आपके प्यार को समझता हूँ। बिल्कुल नहीं समझते हो आदि, अगर समझते हो तो हमारे खिलाफ नहीं हो जाते। चलो अपनी आंखों से देख लो कौन सच्चा है और कौन झूठा। चलो आदि, कैसे इस घर में सही को गलत और गलत को सही किया जा रहा है ये मैं हम तुम्हें दिखाते हैं। चल पिते का कर रहे हैं? मैं लेने आया सुगनी। चलो हमारे साथ अभी इसी वक्त आओ। मालक, आपको अपने पागलपन में जो करना है करिए, हम आपके साथ कहीं नहीं चलेंगे। मालक, किसी ने देख लिया तो बवाल मच जाएगा, अब चले जाइए इत्ते से। तुम्हारे होठ कुछ और कह रहे हैं और दिल कुछ और कह रहा है सुगनी। अपने दिल की बात सुनो सुगनी, वो सच जानता है पूरा का पूरा। आओ चलो। हमारे होंठ और दिल में कोई फर्क नहीं है मालक, दिल एक बार गलती कर चुका है, दोबारा नहीं करेगा। आप चले जाइए यहाँ से। क्यों क्यों चले जाएं सुगनी? क्यों बांधना चाहते हो अपने आप को मर्यादाओं की जंजीरों में सुगनी? हमने भी तो ये मर्यादाएं तोड़ी थी ना तुम्हारे लिए। हम दोनों को भी अधिकार है ना खुश रहने का। आओ। ये सब करके आप खुश हो सकते हैं मालक, लेकिन हम नहीं। हम किसी और की जिंदगी उजाड़ कर खुश नहीं रह सकते। आप जिद मत कीजिए, आप जाइए इतने से। बस इतना ही प्यार करती थी हमसे तुम? कहाँ गई वो सुगनी जिसकी आंखों में हम अपने चेहरे को देखा करते थे? सुगनी जो इस प्यार के लिए पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार थी, कहाँ है वो? हम अब भी वही सुगनी है मालक, हम अब भी वैसे ही है, लेकिन आप वो इंसान नहीं है जिससे हमने प्यार किया था। वो कोई और था और आप कोई और है। सुगनी देखो, समझने की कोशिश करो, जिंदगी बार बार मौके नहीं देती, दूसरा मौका बहुत कम मिलता है लोगों को। तुम्हारे पास वो मौका है सुगनी। सुगनी अपने प्यार को स्वीकार करो, चलो हमारे साथ। हम आपके साथ कहीं नहीं चलेंगे। आप हाथ छोड़िए हमारा। डरो मत सुगनी, डरो मत। डर क्यों रही है सुगनी? छोड़ दो सारे के सारे डर, हम तुम्हारे साथ हैं, हमारा प्यार तुम्हारे साथ है सुगनी। तुम्हारे लिए हम दुनिया में किसी के साथ भी लड़ जाएंगे। आप दुनिया से लड़ सकते हैं लेकिन हम अपनी मर्यादा को पार नहीं कर सकते मालक। इतना समझ लो कि हम और तुम एक होने वाले हैं, ये सच्चाई है जिसको जितनी जल्दी मान लोगे उतना अच्छा है। चाहो तो प्यार से मान लो, नहीं तो तुम मानो या ना मानो, हम तुम्हें अपना बनाकर रहेंगे।